बच्चों में सीखने की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो उनकी आंखों में होता है। सीखने की आंख की भूमिका अन्य ज्ञानेंद्रियों में सबसे अधिक होती है। आंख से इतिहास हमें वास्तविक दिखता है। भ्रमण कर अपनी आंखों से दुनिया को देखने से हमें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है और दृष्टिकोण भी विकसित होता है। इसी मकसद से संत मरियम आवासीय विद्यालय के छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया। बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने पहुंचे एसटीपीओ ऋषभ गर्ग ने बच्चों को उनके भ्रमण के दौरान महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने पर बल दिया और शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अपने गौरवशाली इतिहास की बारीकियों से जानकारी लेने का भी सुझाव दिया। और जिन जगहों पे आप जा रहे हैं वो सब ऐतिहासिक जगह है, मतलब वो बहुत पुराने समय से बहुत ही मशहूर रही है और वो सब जगह जो है महात्मा बुद्ध से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई है, तो उनके जीवन काल का जो उनका दर्शन रहा या उनके जो भी दिए हुए मूल मंत्र रहे उनका अगर आप अनुसरण करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। जैसा कि हमेशा समझाया जाता है कि माध्यमिक मार्ग हम लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में कहा जाता है कि आप एक माध्यमिक मार्ग रखिए, तो आप अपने डेली दिनचर्या में से लेकर के बड़े से बड़े कामों में इस चीज को अगर अपनाएंगे तो आप अवश्य सक्सेसफुल रहेंगे अपने जीवन में। और अभी जिन जगहों पे आप जा रहे हैं वहां पे जाकर के जरूर मेरा आग्रह रहेगा, आपने हो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टूर गाइड कोई ना कोई किया ही होगा बच्चों के लिए, परंतु आप लोग वहां पे गाइड को पकड़ के उससे वहां की हिस्ट्री उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश बहुत करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आपको अपने देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में और भी अच्छा महसूस कराएंगी। नालंदा जो हो गया हमारा दुनिया का कहा जा सकता है अपने आप में पहला इस तरह का विश्वविद्यालय था जिसके तर्ज पे आज के टाइम में आपके पास ऑक्सफोर्ड मिलता है या फिर कोई भी और विश्वविद्यालय मिलता है, तो वहाँ ज्ञान का भंडार था, देश विदेश से स्कॉलर्स आते थे, चाहे आप फाहियान को देखें या फिर चाहे कोई भी पुराना बड़ा स्कॉलर मिलेगा, सब ने वहाँ पे आके कोई ना कोई अपना पढ़ाई को किया हुआ है। किसी और कारणवश मतलब हमारा वो जो संस्थान था उसको क्षति हुई और वो आज नहीं एग्जिस्ट करता, परंतु आप लोग उसके इतिहास के बारे में जरूर जानें, पढ़ें और समझें और जो आप अपना टूर पे जा रहे हैं उसको फुल्ली एंजॉय करें, और क्योंकि घर से थोड़ा दूर जा रहे हैं तो एहतियात भी रखें। वहीं मौके पर विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने बच्चों के पूरे शैक्षणिक भ्रमण की रूपरेखा की जानकारी दी और बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य को भी बताया। 10th क्लास के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर हमारे जिला के सहायक पुलिस अधीक्षक SDPO ऋषभ गर्ग सर ने विदा किया। बच्चे बोधगया, राजगीर, नालंदा का भ्रमण करेंगे और सीखेंगे। इसका उद्देश्य एक ही है कि बच्चे आगे बढ़ें, और सिर्फ क्योंकि यात्रा भी ज्ञान का एक मार्ग है, बच्चे जब यात्रा करेंगे तो सुख दुख का अनुभव करेंगे। हम लोग यहाँ से बच्चों को रास्ते में जो भी दशरथ मांझी का जो मेहनत है, जिस तरह से मेहनत करके वो इतिहास रचे हैं, वहाँ ही बच्चों को भ्रमण कराएंगे। जहाँ जहाँ हम लोग लगेगा कि बच्चे सीखने के लिए जा रहे हैं, चूँकि हमेशा उनको सीखना है, जीवन सीखने का ही नाम है, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे पूरा खुश होकर जा रहे हैं और बच्चे को सीख कर आएंगे, क्योंकि बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे का माइंड एकदम पूरा फ्रेश हो इसके लिए बच्चों को लेगा जा रहा है। ये स्कूल की अच्छी पहल है। बहुत अभिभावक को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। क्या हुआ, हाथ जल गई? टेंशन में है? क्यों, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ भाई, हाँ। भाई साहब, 2 किलो आलू दीजिएगा तो। आलू का दुकान है? अच्छा अच्छा। क्या हुआ भाई साहब, परेशान है? हाँ। याद नहीं रह रही है कोई चीज? हाँ। बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है? अरे हाँ भाई हाँ। परेशान है? हाँ। बच्चों के लिए स्कूल तलाश रहे हैं? अरे हाँ। एडमिशन नहीं हो रही है? अरे हाँ बाबा हाँ। अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।